दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार फिर एक बार हाजिर हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। जो भी मेरा वीडियो था, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं आपको किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के लेके आऊँ। मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है कि सर आप इस टॉपिक पे बनाए, अलग अलग तरह का डिमांड आ रहा है, तो मैं आपको सबको मेक श्योर कर रहा हूँ कि जो भी आपका सजेशन होगा उसको मैं अपने वीडियो में इम्प्लीमेंट करूंगा और उस टॉपिक में अपने आप को आपके सामने लेके आऊंगा। इस बार का जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन, जो आजकल नहीं शुरू से ही ये डिपेंड रहा है कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसके थ्रू हमारा रिस्पॉन्स मिलता है। तो आज हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं और गुड कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। और एक चीज और, इसमें एक वर्डिंग आता है बैड कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन कभी बैड नहीं होता। मैं आपको आगे वो भी बताऊंगा कि कम्युनिकेशन कभी बैड नहीं होता, ओके। तो आज मैं आपको सबसे फर्स्ट बताने जा रहा हूं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि कम्युनिकेशन होता है एक विचारों का आदान प्रदान, जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। जो भी, अगर मैं एक सिंपल मान लीजिए कि मैं एक, अगर आपको कुछ चीज आपको इसमें दिया जो आपको बताना चाहता हूं, अगर ये क्रॉस हो के आप तक पहुंचा, ठीक है, और फिर आप मुझे रिटर्न कर रहे हैं, दैट मींस वो कम्युनिकेशन हुआ। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर उस चीजों को आप समझ पा रहे हैं, वो होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। विचारों का आदान प्रदान, जो मेरे मन में है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं या बताना चाहता हूं, वो अगर आप उस चीज को समझ पा रहे हैं, ठीक है, वो होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं, अगर आप, मैं जो कुछ बोलूं और आप समझ ना पाओ, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि फॉर एक एग्जांपल मैं बोल दे रहा हूं, जैसे क्या होता है, ऐसे ऐसे मैं लिख दिया, ठीक है। अब मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं, लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो, तो इट्स नॉट ए प्रॉपर कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कुछ और बोल रहा हूं और आप कुछ और समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं, मैं अपने तरफ से तो कम्युनिकेट कर रहा हूं, लेकिन आप तक वो मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है, आप उस मैसेज से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। तो वो होता है, मतलब आपको उसमें इंप्रूवमेंट, इट्स नॉट ए कम्युनिकेशन, इसे बोला जाता है कम्युनिकेशन ब्रेक। बैड कम्युनिकेशन नहीं बोलते, बैड कम्युनिकेशन कुछ होता ही नहीं है, इसे बोला जाता है कम्युनिकेशन ब्रेक। क्योंकि जब मैं जो बोला, मैं इधर से जो आपके पास भेज रहा हूं, वो आप तक पहुंच ही नहीं रहा है। आप तो कोशिश करोगे तब जब आपको समझ में आए, आपको जब समझ ही नहीं आएगा तो आपको वो रिसीव नहीं हो रहा है, आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो उसे बोला जाता है कम्युनिकेशन ब्रेक। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के तीन भाग होते हैं, ठीक है, एक होता है रिटन, दूसरा होता है वर्बल और तीसरा होता है फिजिकल, या ये आप उसको सांकेतिक या फिजिकल या साइन, आप जो भी बोलो। फॉर एग्जांपल, जो हम क्या करते हैं, जो हम लिखते हैं, मेल बाय मोबाइल, ठीक है, बाय बुक, कुछ भी हो, जो हम लिख के बताते हैं वो होता है रिटन, जो हम एक दूसरे को, या मैसेज मोबाइल से मैसेज भेज दिया, व्हाट्सएप से मैसेज भेज दिया, फेसबुक, कुछ भी अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, या आप कोई मेल आईडी यूज कर रहे हो, या किसी को पेपर लिख के भेज रहे हो, या लव लेटर भेज रहे हो, एक्स वाई जेड, जो भी आप लिख के दे रहे हो वो होता है रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद आता है वर्बल। वर्बल में क्या होता है, जो हम बोलते हैं, मैं अगर बोलता हूं, ठीक है, आपको बोलता हूं, अगर आप उसको समझ पा रहे हैं, ठीक है, वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंडियन हूं, वर्बल कम्युनिकेशन का, अगर कोई चाइनीज आदमी से मुझे कम्युनिकेशन करना है, तो मैं क्या आपको हिंदी में अगर उसको बोलूं, ये चाइनीज आदमी को, और वो चाइनीज जानता है, ठीक है,
उस मैं हिंदी जानता हूं वो चाइनीज जानता है, तो क्या मैं कम्युनिकेशन कर पाऊंगा उससे? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं हिंदी बोलूंगा वो चाइनीज जानता है, तो उसके लिए ये कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। तो उसके लिए वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि मैं वही लैंग्वेज यूज करूं जो उसको समझ में आए, मैं वही लैंग्वेज यूज करूं जो उसको समझ में आए, ठीक है। अगर मैं वो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जो उसको समझ में आए तो मुझे उसको वो रिस्पॉन्स करेगा, नहीं तो मैं कुछ बोलूंगा। और जैसे एक मूवी आई थी आप याद होगा तारे जमी पे, उसमें क्या होता है एक कोई भी उसमें एक बॉक्स रहता है, बॉक्स के ऊपर वो चाइनीज लैंग्वेज में लिखा रहता है, ठीक है। अब चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन तो हमें तो पता ही नहीं, तो इसीलिए आप जो भी प्रोडक्ट देखोगे चाइना का प्रोडक्ट जो होगा या कोई भी प्रोडक्ट होगा उसमें क्या करता है वो अपना एक लोकल, ठीक है, लोकल लैंग्वेज यूज करता है, फिर उसके बाद इंग्लिश में उसको लिखता है ताकि उसका जो कम्युनिकेशन है एंड यूजर तक प्रॉपर पहुंच पाए। अगर वो क्या इंग्लिश में नहीं लिखे कि वो लोकल लैंग्वेज में लिख के दे दे तो क्या हम समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। जो वो कम्युनिकेशन करना चाहता है वो नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्या कहता है वो लोकल लैंग्वेज एंड प्लस इंग्लिश में वो लिख के देता है ताकि जो भी एंड यूजर है उसको वो कम्युनिकेट कर पाए कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, ओके? तो ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम बातचीत करते हैं वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम मौखिक तौर से बताते हैं या मौखिक रूप से उनको कुछ इंडिकेट करते हैं वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। अब आते हैं हम थर्ड, इसको फिजिकल या सिग्नल या साइन आप जो भी बोलो। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम कहीं रहते हैं किसी को कुछ बोलना है, अगर हम बोल नहीं पाते हैं तो हम इशारों में बात करते हैं। जैसे एग्जांपल खाना खाया तो खाने का इशारा होता है। अगर बचपन में क्या होता था कि मम्मी लोग हमेशा सांकेतिक भाषा में बोलती थी बहुत मार पड़ेगी, तो बोलती नहीं थी, वर्बली हमको इंडिकेट करती थी कि ये मार खाने का इंडिकेशन है, ओके? फिर जैसे हम साइट पे जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे या किसी वर्क साइट पे, तो वहां क्या होता है कि सिग्नल मैन होता है और ऑपरेटर होते हैं, कोई ना कोई एक सांकेतिक भाषा यूज किया जाता है कि किस भाषा पे अगर कोई सिग्नल मैन है अगर वो जो सिग्नल देता है ऑपरेटर उसको समझ पाता है, वो होता है सांकेतिक भाषा। जैसे कि सिंपल सा एग्जाम्पल है, जो फायरमैन होते हैं ना, फायरमैन में हमेशा एक सिग्नल यूज किया जाता है कि कब हमें होस को जोड़ना है, कब उसका प्रेशर इंक्रीज करना है, कब प्रेशर डिक्रीज करना है, उसका एक सिग्नल है, इंप्रॉपर सिग्नल बना हुआ है कि ये सिग्नल दिया जाएगा तो आपको ये काम करना है। अगर होस एक्स्ट्रा होस जोड़ना है तो उसमें एड के लिए आपको सिग्नल है, प्रेशर इंक्रीज करना है तो उसका एक सिग्नल अलग है। तो ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि मगर ये सिग्नल देता हूं तो आपको ये काम करना है, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल एंड साइन आपको कम्युनिकेशन। तो होप मुझे मेरे द्वारा दिया आज जो आपको ये नॉलेज है, जो नॉलेज शेयरिंग है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको मैं अपना नॉलेज दे रहा हूं, लेकिन मैं अपना नॉलेज शेयरिंग आपसे कर रहा हूं ताकि इस चीज में आप कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम में आप न रहें। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।